हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखकर आपने पहचान ही लिया होगा कि मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। आज मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाली घातक बीमारियों में से एक है। अगर इसका समय पर पता नहीं लग चल पाया तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका इलाज हो ही नहीं सकता है, बल्कि इसकी प्रारंभिक जांच तो महिलाएं खुद ही कर सकती हैं। पर आज भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कई तरह की गलत अफवाहें फैल गई हैं। आइए जानते हैं कि क्या है वे अफवाहें और क्या है उनकी सच्चाई। नंबर एक, सिर्फ महिलाओं को ही होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में यह सबसे ज्यादा प्रचलित भ्रामक बात है। ऐसा नहीं है कि स्तन कैंसर का खतरा सिर्फ महिलाओं को ही होता है, पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है। दरअसल पुरुषों के सीने पर उभार नहीं आता है, मगर उनके शरीर में भी ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं, इसलिए पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। हालांकि पुरुषों में स्तन कैंसर के मामले महिलाओं जितने नहीं होते हैं। नंबर दो, माँ से बेटियों में आता है स्तन कैंसर। यह सच है कि कैंसर अनुवांशिक रोग है, इसलिए अगर आपके परिवार में किसी को स्तन कैंसर है तो आपको इसका खतरा होता है। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्तन कैंसर का शिकार जरूर होंगे। स्तन कैंसर के मरीजों में अब तक सिर्फ 13% मामले ही ऐसे देखे गए हैं जिनमें रोगी के किसी नजदीकी रिश्तेदार को भी स्तन कैंसर रहा हो। इसके विपरीत ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कैंसर नहीं हुआ है तो आपको भी स्तन कैंसर का खतरा नहीं है। स्तन कैंसर के ज्यादातर मामलों में मरीजों के घर परिवार में पहले से कोई रोगी नहीं होता है। स्तन कैंसर का खतरा कई चीजें बढ़ाती है, जिनमें जीवन शैली और खान पान प्रमुख है। नंबर तीन, डिओड्रेंट लगाने से होता है स्तन कैंसर। इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि डिओड्रेंट लगाने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है। डिओड्रेंट बनाने में कई तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो त्वचा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। पहले आए कुछ शोध इस बात की संभावना जताते हैं कि डिओड्रेंट का ज्यादा प्रयोग स्तन कैंसर को बढ़ावा देता है, मगर इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। डिओ के ज्यादा प्रयोग से त्वचा की दूसरी कई समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर चार, हेल्दी लाइफ स्टाइल वालों को कभी नहीं होता कैंसर। अगर आप हेल्दी जीवन शैली अपनाती हैं, यानी अच्छी और हेल्दी चीजें खाती हैं, सिगरेट शराब कभी नहीं पीती और रेगुलर एक्सरसाइज भी करती हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको स्तन कैंसर नहीं हो सकता है। हालांकि शुरुआत से ही ऐसी आदतें अपनाने से ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को 50% तक कम किया जा सकता है। आज की बस वीडियो यही तक खत्म करते हैं, और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कोई भी मदद मिली हो। मैं आपको हर बीमारी का इलाज और हर बीमारी का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, हर वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों।